ये मणिपुर की घटना का एक बड़ा दुखद पहलू यह है कि वहां पे पिछले 3 महीने से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं, भयानक हिंसा की खबरें हैं, सिविल वॉर की स्थिति है। लेकिन जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं और भारत में बैठे हुए लोग हैं, मतलब मणिपुर भारत का हिस्सा है, यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उनकी अंतरात्मा में आग तब लगती है जब ये वीडियो देखते हैं। अगर यही चीज अगर आपके मध्य प्रदेश में हो रही होती, छत्तीसगढ़ में हो रही होती, यूपी में हो रही होती, बिहार में होती हो रही होती, क्या तब भी सब लोग ऐसे चुप बैठे रहते? क्या तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती? तब भी कोई आवाज नहीं उठती? तो इसके पीछे बैक स्टोरी है, क्यों ऐसा हुआ है, क्यों आज सब लोग रिएक्ट कर रहे हैं, और इतने दिनों तक ये वीडियो कैसे अंडर द रैप्स था, दैट्स अ बिग मिस्ट्री। उसके पीछे भी एक षड्यंत्र है, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे दो तीन चीजें अभी सबका मैंने सुना, इसलिए मुझे बहुत जरूरी लगता है ये बात मैं बताऊं। सबसे पहले तो ये जो वीडियो सबके सामने आया है, जिस तरह से औरतों को, महिलाओं को वेपनाइज किया जा रहा है, और मेरे से पहले एक पैनलिस्ट ने कहा कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये हो रहा है मणिपुर में। आज सोशल मीडिया का जमाना है तो हमें ये सब पता लगने लगा है, वो भी काफी टाइम बाद ये वीडियो सरफेस हुआ है। माय पॉइंट इज, आपने कहा बीरेन सिंह जी जिम्मेदार है, उनका मिसहैंडलिंग है, उनको हक नहीं है उनकी कुर्सी पे बैठने का। मैं कहूंगी इस पूरे मामले को क्रिएट किया मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने। आपको पता है किस क्या टाइमिंग था उनका, जो जब उन्होंने सोचा ये एसटी स्टेटस देने को मेटीज को, उनको क्यों लगा कि ऑलरेडी सिमरिंग टेंशन है कुकीज और मेटीज में, ट्राइबल ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, कुकीज एंड नागाज में भी कॉन्फ्लिक्ट्स है। जब एक आपने इवैक्यूएशन ड्राइव वहां शुरू किया, ऑलरेडी द कुकीज आर अग्रीव्ड, सच अ टाइम यू डिसाइड टू ब्रिंग इन द एसटी कोटा इशू बिकॉज यू वॉन्टेड टू कंसोलिडेट योर मेटी वोट्स, राइट? इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है कि आपने ये तरकीब सोचा? मुझे जो लगता है इसमें एक बहुत बड़ी सीख है आशुतोष जी, वो हमें देखना चाहिए कि जो डिविजिव पॉलिटिक्स है ना, ये मणिपुर का अकेला अभी ये पिक्चर नहीं है, पूरे देश में ये होगा अगर हमने इससे सीख नहीं ली तो। क्योंकि आज मेरे से पहले सुहास जी ने बोला सब लोग मेटीज और कुकीज बन गए, आज कल तक मैं इंडियन थी, आज मैं मुसलमान बन गई, कल तक वो मणिपुरी थे, आज वो मेटी और कुकी बन गए। आपने आग लगा दी वहां मेटीज और कुकीज के बीच में, और फिर आप आग को काबू नहीं कर पा रहे हो। आप सीक्वेंस देखिए उनका, उनका उन्होंने पहले, मैं तो कहूंगी उन्होंने आग लगाया, उन्होंने इनके अंदर के जानवर को जो है खड़ा कर दिया, सबके जानवर को निकाल दिए मेटीज और कुकीज के अंदर, और उनके बीच में झगड़ा करा दिया। कैसे हुआ ये मेरे से पहले ऑल द स्पीकर्स हैव स्पोकन। अब आपका मिसहैंडलिंग देखिए आप क्या कर रहे हो। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने एक फसाद जो है ना, पहले आपने कुकीज और मेटीज बोलना शुरू किया, फिर आपने उनको मिलिटेंट्स कहना शुरू कर दिया कि दिस इज अ टेररिज्म इशू, तो उनको आपने टेररिस्ट बोल के पैरामिलिट्री फोर्सेस बुला लिए, ब्रूट फोर्स से आपने उनको क्रश करने की कोशिश की, इंटरनेट आपने सस्पेंड कर दिया। ये तरीका आपका काम नहीं किया, एंगर बढ़ता गया, रिजेंटमेंट इंक्रीज्ड। तो आज ये हालत है कि विमेन आर बीइंग यूज्ड एज कैनन फॉदर। कहते थे पहले युद्ध में हमारा एक मारोगे हम आपके दो मारेंगे, आप औरतों को लेके, महिलाओं को लेके ये करा जा रहा है, आप हमारे एक को शोषण करोगे हम आपके दो को करेंगे। तो ये काफी टाइम से चलता आ रहा है। बीरेन सिंह जी का आज भी मैंने बॉडी लैंग्वेज देख के आई वॉज शॉक्ड कि आप किस तरह से आप कैसे आप कैमरा के सामने बोल भी रहे हो जब आपकी स्टेट में इस तरह की हालत है। इस तरह का फ्रेटिसाइडल वॉर मैंने कभी देखा नहीं है अपने जर्नलिस्टिक करियर में भी, और मैं तो पूरी तरह से मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को जिम्मेदार मानती हूँ इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए। इतने लंबे समय से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इट हैज टेकन डेंजरस प्रोपोर्शंस। द इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट वाज विद लैंड, विद जॉब्स, विद रिजर्वेशंस, वो हर जगह होता है। आपने भी कहा अलग अलग राज्यों में इस तरह की चीजें, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो रिजॉल्व हो जाते हैं। पीस पैनल आपने बिठाया, कोई पीस पैनल ने वहां काम नहीं किया, इट वाज जस्ट अ फोटो ऑप। वहां पे गृह राज्यमंत्री गए, उन्होंने ये सब अनाउंस किया, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, पानी सिर से ऊपर जा चुका था, कोई पीस पैनल से वहां काम नहीं होने वाला था। फिर जैसे कि वन स्पीकर बिफोर मी सेड द गवर्नमेंट हैज गिवन एक्सेस टू द आर्म्स, राइट? इतने आर्म्स आए कैसे उनके पास? तो आपके अफसर मेटी और कुकी में बट गए, और फिर वही अफसर जो मेटीज है वो मेटीज को आर्म्स देने लगे, फिर
कि आप आर्म्स को सरेंडर करिए, अनदर फोटो ऑप कि हमने ड्रॉप बॉक्स लगा दिया है, सबने आर्म्स सरेंडर किए. ऑल दिस वॉज फसाद एंड दिस वॉज जस्ट वेटिंग टू ब्लो ओवर. एंड आई एम ग्लैड कि कम से कम आज जो है लोग बात तो कर रहे हैं इस पर, आज जो है सवाल तो उठा रहे हैं कम से कम. एंड मुझे अभी तक नहीं ये समझ में आ रहा है कि किस बात की इंतजार हो रही है वहां प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की. बिल्कुल. सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर.